4 जनवरी 1975 को प्रीति सुधा जी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहाता तालुका में, जो सिरडी से 5 किलोमीटर के दूरी पर है, आज 4 जनवरी 2024 को इस भव्य कैंपस के दिव्य इतिहास को 49 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके निर्माता, संस्थापक, संकल्पक, प्रेसिडेंट, चेयरमैन और सर्वेसर्वा, शिक्षण रत्न पुरस्कार से सम्मानित हमारे सबके प्रिय दादाजी एवं प्राचार्य इंद्रभानजी दादा पाटिल डांगे सर, इनको यह छोटी सी भेंट सादर और सविनय समर्पित। आइए देखें इस अनदेखी या अनसुनी कहानी को, जो एक जीवंत महान व्यक्तित्व की है। शिक्षा के महाद्वीप में उनका नाम धड़कता है। सभी छात्र, माता पिता और शिक्षक उन्हें दादाजी कहकर पुकारते हैं। 1975 के 4 जनवरी को उन्होंने इस शिक्षा संस्थान की नींव रखी, 21 एकड़ के सुंदर कैंपस की रचना की, खुद के पैसे से, किसी से वित्तीय सहायता के बिना। ये शिक्षा संस्थान 25 डिजिटल कक्षाओं के साथ है और 50 से अधिक अनुभवी शिक्षकों के साथ। यहां की मान्यता नहीं केवल राहता तालुका और अहमदनगर जिले में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में विख्यात है। यहां के छात्र महाराष्ट्र के हर तालुके से पढ़ने आते हैं। वे अनुशासन, भारतीय संस्कृति, अंग्रेजी माध्यम के साथ, नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने के लिए सीख देते हैं और इसके लिए हर कदम उठाते हैं। 1987 में पहली 10वीं के पास आउट बैच ने इसका आरंभ किया और अब यह कैंपस संस्कार के साथ शिक्षा की दृष्टि से 1 पर है। उनका डांगे पैटर्न पूरे राज्य में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दादाजी रहते हैं सदा उत्साह, उमंग, जोश भरे यह शिक्षा के सम्राट, जिन्होंने रचा शिक्षा का स्वर्ग राहता में और पूरे महाराष्ट्र के लिए। उनका सपना है हर बच्चे के समूर्त विकास का, मानसिक, भावनात्मक, शैक्षिक, बौद्धिक और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विकास का। हम रेणुका माता और साई बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महान व्यक्तित्व को भविष्य में शिक्षा सम्राट या शायद भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सरकार और संबंधित संस्थाएं इस महान उपलब्धि को पहचानें और सम्मानित करें। ये इंसान कभी थकता नहीं, हमेशा ऊर्जा, उत्साह, जोश और प्रेरणा के साथ ये हमेशा से ही होते हैं। और दादाजी का जीवन संदेश यही बताता है कि जीवन में सफलता के लिए शिक्षा के प्रति समर्पण और समाज सेवा ही एक सफल जीवन की सच्ची राह होती है। यह सिर्फ एक ऐसी निर्मिति थी जो एक टीजर है। जल्द ही हम आपसे मिलेंगे दादाजी के प्रेरणादायी और पवित्र जीवनी की डॉक्यूमेंट्री के दूसरे पार्ट यानी सिक्वेल के साथ, और उसके बाद अगले 4 जनवरी 2025 को पूरे होने जा रहे हैं इस कैंपस को 50 साल पूरे। इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे तब। चलिए, आप सभी को नए 2024 साल की हार्दिक बधाइयां। ओम शांति।